वेलकम दोस्तों, आप देख सकते रहेंगे एक कैरियर कंपनी का रूफ टॉप मॉडल पैकेज एयर कंडीशनर है। इसका कंप्लेन मिला था, ये चालू होता है फिर बाद में थोड़ा टाइम में बंद हो जाता है। अभी देख सकते रहेंगे चालू हुआ है सिस्टम, हवा आ रहा है, चल रहा है, कंडीशनर फेन कर रहा है, फिर ये क्या होता है थोड़ा सा दो मिनट चलने के बाद बंद हो जाता है। देख सकते बंद हो जाता है, फिर स्टार्ट हुआ ये, यानी कि इसका प्रॉब्लम ये है कूलिंग नहीं होता है और चालू होता है बंद होता है, फिर चालू होता है फिर बंद होता है, इस तरह से प्रॉब्लम होता है। तो ये फॉल्ट जो है बहुत सी ऐसी में आपको देखने को मिलेगा जो एयर कंडीशनर रहता है इसमें चालू बंद होने का फॉल्ट मिलता है। तो इस तरह से अगर चालू बंद होता है तो इसका रीजन कुछ कंट्रोलिंग प्रॉब्लम हो सकता रहेगा या फिर गैस का प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। तो इस एसी में क्या प्रॉब्लम है, कैसे आइडेंटी करेंगे, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है हमारे नेटिजन भाई लोग के लिए। इसमें हम बेसिक चीज़ें एडवांस तक बताएंगे, कुछ टिप्स ट्रिक्स बताएंगे क्या क्या चीज़ हमें चेक करना चाहिए। अब देख सकते रहेंगे हमारा सिस्टम चालू है, कंडेंसर फैन वगैरह चालू है, कवर हमने खोल लिया है। तो अब देख सकते रहेंगे सब कंप्रेसर भी चल रहा है, कंडेंसर फैन भी चल रहा है, फिर चल के ये बंद हो जाता है और साथ में आप देख सकते हैं जब चालू होता है ये पाइप पे आई जमता है। आप देख सकते रहेंगे व्हाइट कलर का है, दो लाइन पे यहाँ पर आई जम रहा है, यानी कि जो हमारा इवेपरेटर में जा रहा है वापस जैसे ही बंद हो रहा है आइस भी ख़त्म हो जा रहा है, फिर कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है, फिर आई जम रहा है। तो इसे कंफर्म चेक करने के लिए हमें गैस का यूज़ करना चाहिए, हम गैस चेक करना चाहिए, सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर दोनों चेक करना चाहिए, जिससे आपको कंफर्म हो सकता रहेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से हमारा आइस आ रहा है इसका मतलब हमारा सिस्टम में ब्लॉकेज हो सकता रहेगा या फिर एयर फिल्टर ब्लॉक हो सकता रहेगा या फिर फैन ब्लेड नहीं चल रहा है, ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। बट यहाँ देख सकते रहेंगे ये गैस हमारा जो है क्या हो रहा है 25 PSI आ रहा है। देख सकते रहेंगे सिस्टम हमारा जैसे ही चालू हो रहा है गैस हमारा 25 PSI आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं जब गैस हमारा 25 PSI आएगा तो कंडीशन में क्या होगा, LP प्रेशर स्विच जो रहता है, सेफ्टी डिवाइस रहता है, वो क्या करता है बंद करा देता है। फिर जैसे कि हमारा जो 40-45 PSI के ऊपर गैस जाएगा, 35 PSI के ऊपर गैस जाएगा, फिर हमारा गैस जो HP स्विच रहता है, LP स्विच रहता है, वो ऑन हो जाता है, फिर चालू होता है। फिर जैसे ही गैस हमारा कम होता है 25 PSI आता है, फिर अभी हमारा बंद हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे ये हमारा भी है 25 है, फिर बंद हो गया, फिर वापस जा रहा है, फिर हमारा कितना जा रहा है, ये जो हमारा 35 PSI 40 PSI के ऊपर जैसे जाएगा ये वापस हमारा जो है ऑन हो जाता है। तो ही क्रिया हो रहा है, इस साथ में चल बंद हो रहा है और चालू हो रहा है। क्यों हो रहा है, बंद जो हो रहा है हमारा LP प्रेशर हो रहा है, फिर ऑन भी जो है LP प्रेशर से ही हो रहा है। इसमें जो LP प्रेशर स्विच है हमारा मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक प्रेशर स्विच रहेगा तो यही प्रॉब्लम होता है हमका, जो हमारा गैस जो है कम होगा तो बंद हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे अभी इसमें चालू हुआ है ये हमारा आइस आ रहा था, फिर अभी बंद हो गया, आइस डिफ्रॉस्ट हो गया है, यानी कि इसमें सिस्टम में हमारा गैस कम होने का रीजन हो सकता रहेगा इस तरह से। तो वन बाय वन हम फॉल्ट करेंगे, चेक करेंगे इसमें गैस का प्रॉब्लम है या फिर बेल्ट टूटा हुआ है या फिल्टर ब्लॉक है। तब देख सकते रहेंगे हमने गैस जो है सिस्टम को बंद कर लिया, ऑफ कर लिया टोटली, कभी भी आप काम करते हो टाइम बंद कर लें। हमने सिस्टम को पूरा बंद कर लिया है, बंद करने के बाद जो हमारे कवर भी है खोल लिया है क्योंकि हमें जल्दी से फाइंड कर सके, आपको एग्जाम्पल के लिए हम दिखा सके, नहीं तो हमारे एक नट खोलने लगेंगे तो आपको टाइम वेस्ट हो सकता रहेगा। तो जैसे यहाँ बेल्ट हम घुमा कर देख रहे हैं तो बेल्ट हमारा सही है, टाइट है, यहाँ से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टूटा फटा नहीं है। इस तरह से अगर प्रॉब्लम्स नहीं है, सही है बेल्ट वगैरह, उसके बाद हम यहाँ पाइप वगैरह चेक करेंगे, कहीं पाइप वगैरह लीकेज तो नहीं है, कुछ गैस की कम है। तो आप देख सकते रहेंगे यहाँ पर जो कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज पाइप है यहाँ देख सकते रहेंगे व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, ये हमारा यहाँ से गैस निकल रहा है, ये हमारा बबल है, यहाँ से देख सकते रहिए बबल का यहाँ से है झाग के फैन दिख रहा है, यहाँ से यानी कि ऑयल का निशानी दिख रहा है, यहाँ से गैस लीक हो गया है जिसकी वजह से क्या हो गया है, गैस कम हो गया। ये जो डिस्चार्ज पाइप है कंप्रेसर का, यहाँ से गैस लीक होने की वजह से ये हमारा गैस कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता था हमारा AC चालू होता था, चालू होते ही ये LP प्रेशर पर लो प्रेशर पे कट ऑफ कर देता था, तो यही क्रिया कंटिन्यू चलता था, लो प्रेशर पे कट ऑफ होता था, फिर गैस थोड़ा बढ़ता था, फिर चालू होता था। तो अब देख सकते रहेंगे इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा था, हमने जो है सो वेल्डिंग किया है, कब जो लीक था उसे रिपेयर किया है, वेल्डिंग कर लिया है, वेल्डिंग करने के बाद अभी इसमें गैस चार्ज किया है। गैस चार्ज करने का प्रोसेस क्या रहता है अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो हमारे डिटेल से पूरा वीडियो बना हुआ है, तो एग्जाम्पल के लिए हम दिखा रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से हम क्या करेंगे, गैस जो इसमें चार्ज किया है, गैस चार्ज हमने फुल कर लिया है तभी हमारा सिस्टम ऑन नहीं है, ये हमारे स्टैंडिंग मोड पर गैस प्रेशर है। अब देख सकते रहेंगे इस भी अभी जो हमारा सिस्टम ऑन हुआ है तो यहाँ पर डिस्चार्ज प्रेशर देख सकते रहेंगे 200 से कम है, 200 से कम है, तो यानी सस्पेंशन प्रेशर में गैस जो सिस्टम में कम है। अभी हम इसे बंद करके देखेंगे तो आप देख सकते रहेंगे ये नॉर्मल है, हमारा कितना प्रेशर शो कर रहा है 90 PSI शो कर रहा है, बट यहाँ से जो हम गैस को पूरा फुल हुआ है, क्यों, जो हमारा गैस सिलेंडर है फुल है, यहाँ से प्रेशर कम जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि गैस में सिलेंडर है जो है गैस में कम हो गया है,
अभी हम क्या करेंगे, इसे हमने ऊपर रख दिया है। कई बार देखने को मिलता है जब हमारा गैस कम रहता है, छोटा वाला बाटला रहता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। जब इसमें गैस कम रहेगा, लिक्विड में जाएगा, गैस चार्ज करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जल्दी हमारा मॉइस्चर पकड़ जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसे हमें क्या करना चाहिए, जो एसी चल रहा है उसे कंडेंसर के सामने रख देंगे, उसका जो भी मॉइस्चर वगैरह रहता है थोड़ा हीट मिलेगा। जब गैस को हीट मिलेगा तभी हमारे सिस्टम में गैस चार्ज हो पाएगा। कभी भी आप याद रखिएगा, अगर आपका कई बार आपका छोटा बाटला है, गैस उसमें कम है और बाटला बड़ा है, तो कनेक्शन में जल्दी लिक्विड हो जाता है। जल्दी लिक्विड हो जाएगा तो गैस चार्ज नहीं होगी, गैस चार्जिंग में प्रॉब्लम होगा। तो अब ये तरीके आप अपना सकते रहेंगे, टिप दे सकते रहेंगे, सिस्टम को कंडेंसर के आगे गर्म रखें, जिससे गर्म होगा फिर गैस चार्ज कर सकते रहेंगे। तभी हमने जो टोटली इसमें गैस जो चार्ज तो कर दिया है यहाँ पर, तभी इसको सिस्टम में आप दे सकते रहेंगे। ये हमारा जो डिस्चार्ज प्रेशर था ये हमारा 260 है और सक्शन प्रेशर भी हमारा 65 की नियर बाई प्रेशर है। तो नॉर्मल कंडीशन में अभी देख सकते हैं सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है। अब देख सकते रहेंगे यहाँ से हम इसको बंद करते हैं, गैस हमारा फुल हो चुका है, जितना रिक्वायरमेंट चाहिए 60 दे सकते। अभी देख सकते हैं यहाँ पर 60 गैस है, डिस्चार्ज जो हमारा देख सकते रहेंगे 225 PSI है, यानी कि अभी भी थोड़ा गैस कम है। तो हम नॉर्मल अपने तरीके से चार्ज करेंगे और फिर इसके सही करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा गैस का कम है, जिसकी वजह से हम आपको दिखाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। बेसिक चीज़ आप समझ सकते रहेंगे, नॉर्मल हमारा सक्शन 60 है, डिस्चार्ज 225 PSI है, यानी सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है। अभी जो है यहाँ पे जम चेक कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर कंप्रेसर वगैरह सब कंटिन्यू चल रहा है, कंडेंसर फैन भी चल रहा है, और इसके अंदर जो आई जम रहा था वो आई से वगैरह भी नहीं जम रहा है, देख सकते रहेंगे। तो इस तरह से बेसिक चीज़ें हम चेक करते हैं। अगर हमारा सिस्टम जो है ऑन ऑफ का प्रॉब्लम है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, तो हम बेसिक चीज़ें कंट्रोल के बारे में आप चेक करेंगे तो आपको मालूम चलता है किस तरह से इसमें गैस ज़्यादातर हमारा अगर इससे ऑन ऑफ हो रहा है तो गैस लीक हो गया है, जिसके LP प्रेशर स्विच रहता है वो चालू होता है बंद होता है, चालू होता है बंद होता है, या फिर आपका ब्लोअर फैन जो रहता है, ब्लोअर व्हील जो बेल्ट रहता है टूटा रहेगा तभी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। बेल्ट टूटने की वजह से भी क्या होता है, लो प्रेशर पर जाता है, ब्लोअर नहीं चल पाता है, तो टाइम में भी इस तरह से प्रॉब्लम होता है, ऑन ऑफ होता है। तो बेसिक चीज़ें इस तरह से रहता है हमारा। इस आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके कंट्रोल चेकिंग करने के बारे में। ये जैसे दे सकते रहेंगे जो R वाला पावर है ये हमारा नीचे जाता है, सप्लाई थर्मोस्टेट जाता है, और Y जो है ऊपर आता है। यहाँ से पावर किस तरह से जाता है, किस तरह से जाता है, कितना वोल्ट वगैरह रहता है, पूरा डिटेल्स में जो है अलग पार्ट में जानेंगे, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स के बारे में, चेकिंग करने के बारे में। हमारा छोटा 5 टन का हमारा 8 टन का कंप्रेसर है, सिस्टम है टोटल AC जो हमारा है, और नेक्स्ट पार्ट में अलग पार्ट के वीडियो जानेंगे किस तरह से कंट्रोल्स वगैरह है, और SP वाला स्विच है, वायरिंग के बारे में, ब्लोअर के बारे में, 3 फेस के बारे में, पूरा डिटेल्स में हमारा बहुत से वीडियो बना हुआ है। तो अगर आप नया टेक्नीशियन है तो वीडियो आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। ये हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे, आप ये वीडियो जो है नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं ये फील्ड में आना चाहते हैं, नए टेक्नीशियन है, ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते रहें, जैसे व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, जिससे और लोग तक नॉलेज पहुँच सके, इसका फ़ायदा ले सके, जान सके, सीख सके। तो ये वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिए, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, आपको कुछ क्या पसंद आया। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।